अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू गर्गाइजेशन पीएससी क्लासेस। बच्चों हम आज के लेक्चर में यहाँ पर जो हमारी आर्ट एंड कल्चर की क्लास चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम भरतनाट्यम पढ़ेंगे। ठीक है, हमने जो लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या कवर किया था, हमारा आर्ट एंड कल्चर की हमने नृत्य विधाएं, भारतीय नृत्य विधाएं यानी कि इंडियन डांसिंग को हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था। अब आज की क्लास में हम उसी को कंटिन्यू, जो यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो पहले हमारी आप गर्गाइजेशन क्लासेस की यूट्यूब चैनल में जाएं और प्लेलिस्ट में पहली जो बनी होगी भारतीय नृत्य विधाएं, भारतीय नृत्य विधाएं, तो पहले उसमें आप जाएं और उस वीडियो को आप देख लें, क्योंकि उसको आप, वो क्या बेस है, पहले आप वो देखेंगे फिर ये वाली वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि क्या है, हम एक सीरियल वे में पढ़ाते जा रहे हैं तो क्या आपको भी नोट्स भी बनती जाएगी, जानकारी भी आपको अच्छी मिलती जाएगी और आपकी चीज़ें भी क्लियर कट होती जाएंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम क्या है, तो ये क्या है, एक डांस है। ठीक है, अब हम भरतनाट्यम का यहाँ पे संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, यह किस विधा का नृत्य है, कौन से क्षेत्र में होता है, इस डांसिंग में क्या क्या यूज होता है, कौन कौन सी भंगिमाएं यूज होती हैं, कैसे कैसे इसको किया जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पे संपूर्ण डिटेल देखेंगे। आप यहाँ पर देख पा ही रहे होंगे वर्चुअल स्क्रीन पे, आपको यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है कि एक जो नायिका है किस प्रकार से नृत्य को कर रही है। वैसे से हम पढ़ाते जाएंगे, कुछ इमेजेस भी आपको यहाँ पे दिखाते जाएंगे ताकि काफ़ी कुछ आपके समझ में आते जाए, आपको एक इंटरेस्ट बना रहे कि आखिर आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे ना तो चीज़ें क्लियर होंगी, नहीं तो आपको टफ ही लगता रहे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये जो बच्चों भरतनाट्यम, यह नृत्य विधा का सर्वाधिक प्राचीनतम रूप है। सबसे, यदि क्वेश्चन आता है प्री में भी कि सबसे प्राचीनतम रूप कौन सा है डांस का, तो कौन सा है बच्चों, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का नाम भरत मुनि तथा नाट्यम शब्द, यदि हम इसके नाम की जाए तो इसका जो भारत और प्लस नाट्य, यानी जो इसका नाम लिया गया है बच्चों, भारत जो मुनि है, ठीक, नाट्य शास्त्र के जो जनक, हमने पहले लेक्चर में देखा था ना, तो जो उसके बारे में, तो जो भरत मुनि है उनका जो नाट्य शास्त्र, उसको दो शब्द लिया गया है, भारत प्लस नाट्यम, यानी कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। यह जो है बच्चों तमिल में नाट्यम शब्द का अर्थ होता है नृत्य, ये नाट्यम, नाट्यम जो बच्चों ये तमिल शब्द, इसका अर्थ होता है नृत्य, ये तमिल शब्द है। और भारत मुनि जो है वह नाट्य शास्त्र के क्या है बच्चों, वो नाट्य शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। अब यद्यपि अन्य विद्वान की हम बात करें तो भारत का जो नाम जो है श्रेय भाव, राग तथा ताल को देते हैं। इस नृत्य विधा की उत्पत्ति का संबंध तमिलनाडु, यह कहाँ का है बच्चों, तो तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में मंदिर नर्तकों अथवा देवदासियों द्वारा की दो एकल नृत्य प्रस्तुति सादिर से है, इसे दासी अट्टम भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका अन्य नाम किस लिख दे, यहाँ पे यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम दास अट्टम। इसको दासी अट्टम क्यों कहते हैं, दासी अट्टम एक्चुअली होता क्या था, जब जो पहले के समय में क्या होता था, एक प्रथा चलती थी देवदासी प्रथा, जो लड़की देखने सुनने में ज़्यादा सुंदर होती थी तो उसको क्या करते थे मंदिर वाले, उनको देवदासी बना देते थे, बोल देते थे ज़्यादा सुंदर लड़की है, तो ये भगवान की, इसका जो जन्म हुआ है वह भगवान की सेवा करने के लिए हुआ है, इसलिए इसको आप देवदासी बना दीजिए और हमारे में यहाँ ले आइए। तो मंदिरों में क्या करती करने लगती थी, वो देवदासी बन करके उनकी पूजा करने लगती थी और डांसिंग भी करती थी भगवान को खुश करने के लिए, इसलिए इसका एक नाम क्या है बच्चों, दासी अट्टम भी। यह जो नृत्य विधा की उत्पत्ति के संबंध कहाँ से, तमिलनाडु से, तो ये भी याद रख लेना आप, ये कहाँ का नृत्य है बच्चों, ये है तमिलनाडु का, ये नृत्य है तमिलनाडु का, तमिलनाडु का नृत्य है तमिलनाडु में। अब देवदासी प्रथा के जो अवसान, जैसे जैसे ये लुप्त होने लगी तथापि एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण अय्यर थी। देखो क्या होता था, मैन जब ये जो डांस को ज़्यादा महत्व मिलता था तो देवदासी प्रथा के अंतर्गत ही मिलता था, लेकिन जैसे जैसे क्या होता, समय बीतता गया और देवदासी प्रथा लुप्त होने को गई, तो एक कृष्ण अय्यर नाम की एक स्वतंत्रता सेनानी थी,
उन्होंने बहुत प्रयास किया और इस नृत्य विधा को पुनर्जीवित कर दिया। पूर्व में इस नृत्य विधा पर एकल महिला नर्तकों द्वारा अभिनीत की, मतलब सबसे पहले क्या होता था, एक लेडीज होती थी, फीमेल होती थी महिला, और उस वही लड़की क्या करती थी, इसको डांस करती थी, ठीक है। लेकिन पहले जब स्टार्टिंग में भरतनाट्यम हुआ था तो क्या होता था, एक लेडीज रहती थी और वही डांस करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो जब ये पुनर्जीवित हुआ, जब कृष्णा अय्यर जो थी ना, इन्होंने इसको पुनर्जीवित किया, तो पुनर्जीवित करने के पश्चात पुरुषों और कलाकार समूहों में भी यह विधा क्या हुआ, उत्तरोत्तर लोकप्रिय होती चली गई, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होती चली गई। भरतनाट्यम के एक अन्य समर्थक रुक्मणी देवी, जो मैं समर्थक बताते जा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन जरूर आप लिखते जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन प्री में बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि किन का संबंध भरतनाट्यम से है, किन का नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, कृष्ण अय्यर, यहाँ पे लिख दूँ कृष्ण अय्यर, और दूसरी मैंने क्या बताया, मैंने रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये हमारी पहली है और ये हमारी दूसरी। इन्होंने क्या किया, जैसे जैसे जब हमारी देवदासी प्रथा समाप्त हो गई, तो जब दोबारा स्टार्टिंग हुई, तो हमारा जो कृष्ण अय्यर जो थी उन्होंने किया, सेकंड में रुक्मणी देवी अरुंडेल ने क्या किया, इस नृत्य विधा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आगे चलते हैं बच्चों, तो उन्होंने क्या हुआ, जो रुक्मणी देवी अरुंडेल थी, उन्होंने इस नृत्य को क्या किया, बहुत ही वैश्विक पहचान दिलाने के लिए इनको याद किया जाता था। इन्होंने मतलब क्या किया, बहुत ही ज़्यादा वैश्विक यानी विश्व स्तर में क्या किया, भरतनाट्यम को फेमस कर दिया। यदि हम आगे चल के देखते हैं तो भरतनाट्यम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ भी हैं। 19वीं शताब्दी में तंजावुर उसको बोलते हैं, के चार नृत्य शिक्षकों ने भरतनाट्यम की प्रस्तुति के एलिमेंट्स को परिभाषित किया। अब देखो, हम जो भरतनाट्यम पढ़ते हैं, इसके चार पार्ट हैं, कितने पैदान है, चार। पहला है अल्ला रिप्पू, दूसरा है जाति स्वरम, ठीक है, तीसरा है शब्दम, ठीक। तो ये क्या है बच्चों, ये हमारे क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं। किसके एलिमेंट है बच्चों, भरतनाट्यम के। आगे हम चलते हैं तो फिर वर्णम पदम जावली थिल्लर, फिर है बच्चों चौथा हमारा है वर्णम, ठीक है, इसके बाद है बच्चों हमारा पदम, फिर छठवां जावली, सातवां जावली के बाद आता है थिल्लर। ये जो मैं वर्ड बताते जा रहा हूँ ना, ये जो आता है ना, जो हम इसमें मेंस का क्वेश्चन आता है, चाहे पीसीएस मेंस में आए और चाहे आईएएस की मेंस में आए, इनको जब तक आप इनका उल्लेख नहीं करेंगे ना, तो आपको नंबर स्पेसिफाई नहीं मिलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर अल्लारिप्पू। तो अल्लारिप्पू क्या होता है, तो जो हमारा भरतनाट्यम होता है, तो जैसे नृत्य स्टार्ट होता है तो यह प्रदर्शन का आवाहनकारी भाग है। मतलब जैसे हम पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, देवता का आवाहन करते हैं, तो उसी प्रकार जब हम इस भरतनाट्यम नृत्य को स्टार्ट करते हैं तो यह प्रदर्शन का आवाहनकारी भाग है। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, नृत्य को स्टार्ट करने के लिए आवाहन कर देंगे, आओ और नृत्य का स्टार्टिंग करो, ठीक है। जिसमें क्या होता है, आधारभूत नृत्य मुद्राएं सम्मिलित होती हैं तथा इसे लयबद्ध शब्दांशों के साथ प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि एक लय चलती है, तबले की थाप रहती है और एक लय के साथ इसको स्टार्ट किया जाता है। इसका उद्देश्य ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना, ये जो हमारा होता है, इसका जो हमारा एम रहता है, तो ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना। देखो, जब भी हम कोई मंगलकारी कार्य करते हैं तो पहले भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, उस कार्य को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसी प्रकार जब भरतनाट्यम को स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, देवता का आवाहन करते, ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए हम आवाहन करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्लारिप्पू। दूसरा मैंने बताया जाति स्वरम, अब ये क्या है, दूसरा क्या है, जाति स्वरम। तो जाति स्वरम क्या होता है, ये एक नृत्य घटक है, ठीक है, अ पार्ट ऑफ डांस। इसमें क्या अभिव्यक्ति, इसमें क्या होता है, विभिन्न मुद्राएं और हरकतें, जैसे मतलब डांस चल रहा है यूं, तो हाथ यूं जाएगा, यूं जाए, जो घुमाते हैं ना, जो हैंड्स मूव करते हैं, सर मूव करते हैं यूं, ठीक है, बॉडी जैसे जैसे मूवमेंट होती है, तो वो जाति स्वरम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट होता है बच्चों शब्दम, नेक्स्ट क्या है, शब्दम। यह गीत में अभिनव को अभिव्यक्त करने के साथ, देखो
जब हमारा भरतनाट्यम होता है तो एक कोई भी साउंड चलता है, कोई भी क्या होता है, म्यूजिक चलता है। और इस गीत में क्या होता है, जब कोई म्यूजिक चल रहा है तो इस गीत में अभिनव को अभिव्यक्त अभिव्यक्त शब्दों के साथ, जैसे एक साउंड चल रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है, और उसमें क्या कर रहे हैं हम, शब्दों के साथ समाविष्ट करने के लिए एक नाटकीय तत्व है शब्दम, यानी कि डांस म्यूजिक चलते रहेगा और हमारा डांस भी होगा और कुछ कुछ शब्द क्या हम बीच बीच में बोलेंगे। सामान्यतः इसे ईश्वर की प्रशंसा में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे नहीं कोई बोलता भारत माता की जय, भारत माता की जय, वो अपन क्या करते हैं, अब वर्डिंग यूज करते हैं ना, उस टाइप का ये भाव आता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, सब शब्दम। यह गीत में पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट की बात करेंगे बच्चों, तो आता है नेक्स्ट होता है वर्णम। क्या है वर्णम, वर्णम क्या है, वर्णम क्या होता है बच्चों, तो वर्णम यह नृत्य घटक है, यह नृत्य और भावनाओं का संयोजन होता है, जो हमारा डांस होता है और उसके जो थॉट आते हैं, भाव आते हैं, उनका एक मिश्रण होता है। और संपूर्ण प्रदर्शन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट वर्णम क्या होता है, जो हमारी एक्टिंग और डांसिंग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यह कहानी व्यक्त करने के लिए ताल राग के साथ तालमेल के साथ बैठाया जाता है वर्णम। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम पदम, पदम की हम बात करते हैं, तो पदम यह कला, जब कलाकार कोई करता है तो आध्यात्मिक संदेश अभिव्यक्ति की प्रवीणता संदर्भित करता है, संगीत हल्का हो जाता है और नृत्य भावनात्मक भावनाओं का प्रवेश करते हैं कि हम क्या इस समय गुस्सा हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो हमारे जो अंदर से जो हमारे थॉट्स जनरेट होते हैं ना, जो हमारे भाव आते हैं, तो वह इसमें हम सम्मिलित करते हैं, इसमें हम पदम में। नेक्स्ट आते हैं बच्चों जावली, जावली क्या होता है, तो यह अपेक्षाकृत तीव्र गति के साथ प्रस्तुत लघु प्रेम गीत का भी होता है। जावली जो होता है बहुत ही तीव्र गति के साथ प्रस्तुत होता है और लघु प्रेम गीत मतलब प्रेम की गति का एक काव्य होता है, जो हमारा जावली कहलाता है। नेक्स्ट और अंतिम क्या होता है हमारा थिल्लन, थिल्लन की बात करें तो यह लास्ट यानी एंडिंग पॉइंट है, ये हमारा सातवां जो है इसको हम क्या बोलते हैं एंडिंग पॉइंट। यह प्रस्तुतकरण जो हमारा प्रस्तुतिकरण होता है, हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है भरतनाट्यम का, वह लास्ट स्टेज कहलाता है, इसमें समापन हो जाता है। इसमें विशुद्ध नृत्य के साथ उल्लासपूर्ण गति तथा जटिल लयबद्ध स्पंदन को समाविष्ट किया जाता है और हमारा डांस क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है इस प्रकार के। आगे चलते हैं बच्चों, तो इसमें तंजौर तचुस के नाम से विख्यात है, तंजावुर के ये चार शिक्षक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री में बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं। जो तंजौर है, तंजौर के चतुशिष्ट ये चार टीचर हैं जिनका रोल होता है। देखो तो पहला है क्या चिनिया, दूसरा पोनिया, तीसरा वादिवेलु और शिवनंदम। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं, चेनिया है, ठीक है, दूसरा पोनिया, तीसरा वादिवेलु, चौथा शिवनंदम। इनके संरक्षण में भरतनाट्यम को तंजौर नाट्यम के नाम से भी ख्याति मिली। एक अपन इसमें क्या है, एक नाम और मेंशन कर लीजिए, दासियट्टम भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, तंजौर नाट्यम या तंजौर नाट्यम। इसके कितने नाम हो गए, भरतनाट्यम, दासियट्टम और तंजौर नाट्यम। ये जो तंजौर के चतुशिष्क हैं चार लोग, इसके कारण इसको क्या मिला, इसका नाम तंजौर नाट्यम। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। भरतनाट्यम को प्रायः अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, इसका एक नाम और है अग्नि नृत्य। ठीक है, अग्नि नृत्य के भी नाम से जाना जाता है, क्यों, क्योंकि चूंकि यह मानव शरीर में अग्नि के अभिव्यक्ति करता है और भरतनाट्यम में अधिकांश जो मुद्राएं होती हैं लहराती हुई आग की लपटों के सदृश होती हैं, जैसे आग चलती है ना, ठीक है, उसी प्रकार से भरतनाट्यम का भी डांस किया जाता है, इसलिए इस नृत्य को कहीं कहीं पर अग्नि डांस भी बोलते हैं, फिर अग्नि नृत्य भी बोलते हैं। नृत्य की इस विधा में नृत्य के दोनों पक्ष जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, तांडव तथा लास पर समान मात्रा में बल दिया जाता है तथा मुख्य रूप से मुद्राओं को केंद्र में रखा जाता है, यानी कि जो हमारी तांडव है और लास दोनों प्रतिभूतियां प्रतिकृतियां जो होती हैं इसमें समेहित किए जाते हैं। मुख्य मुद्राओं में हम देखते हैं तो एक है हमारा कटका मुख हस्त, जिसमें तीन उंगलियों को जोड़कर क्या बनाते हैं, ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है। एक जो मुख जब स्टार्टिंग होती है, जो आवाहन जब हम अलरिप्पू करते हैं हम देवता का आवाहन करते हैं। भरतनाट्यम की प्रस्तुति में घुटने अधिकांशतः मुड़े होते हैं,
तो शरीर का भार जो होता है दोनों पैरों पर समान रूप से वितरित किया जाता है, मतलब यूं जो पंजे खुले रहते हैं और दोनों का जो भार जो वेट जो रहता है दोनों पैरों में होता है। भरतनाट्यम की जो प्रस्तुति रहती है बड़ी उल्लासपूर्ण रहती है, एक उल्लास एक तो तेज यानी कि रौद्र रस का ज्यादातर यहाँ पर प्रभाव, रौद्र और वीर रस की प्रमुखता देखी जाती है। इसे एक चर्य लास्यम शैली में भी पहचाना जाता है जिसमें एक ही नर्तक बहुत सी अलग अलग भूमिकाओं को निभाता है। अब बच्चों इसके अपन नाम लिख लीजिए कुछ जो पर्सन है जो इस नृत्य के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि प्रमुख कलाकारों में यामुनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से संबंधित हैं, ठीक है, इत्यादि सम्मिलित है। तो ये जो है कुछ एक्टर सम्मिलित हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने आज भरतनाट्यम के बारे में क्या क्या सीखा, हमने इसके नामों को बताया, इसकी शुरुआत बताया, इसका क्षेत्र बताया, इसके बाद इसकी जितनी कृतियां होती हैं कौन कौन सी, इसके पार्ट डांस पार्ट ऑफ अ डांस, उनको हमने सारा डिटेल से विश्लेषण किया ताकि आपके प्री में और मेंस में दोनों एग्जाम को ये इम्पोर्टेंट हो सके। तो बच्चों कैसी रही आज की क्लास, यदि आपको इस क्लास में मजा आया हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, और जो आपको कोई भी जो डाउट हो जो आपके समझ में नहीं आया हो तो उसे कमेंट में मैसेज करें, हम जल्दी से जल्दी आपकी कमेंट का जवाब देंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू बच्चों।